Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you questions of common errors asked in SSC examinations. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. टॉपिक शुरू किया जाए. नंबर वन, दीज बोथ बॉयज आर सो इंटेलिजेंट दैट दे आंसर ऑल द क्वेश्चंस. फोर सेगमेंट्स हैं, फोर पार्ट्स में डिवाइड है हर सेंटेंस, ए बी सी डी. जिस पार्ट में गलती है उसको आपको मार्क करना है. यदि ए बी सी तीनों में से किसी में एरर नहीं आता हो तो योर आंसर विल बी सेगमेंट नंबर डी, नो एरर. हर पार्ट के हर शब्द को ध्यान से पढ़ें और देखिए कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आ रहा है. दीज बोथ, बोथ और दीज, ये दोनों डिटरमाइनर्स हैं. सारे डिटरमाइनर्स में सबसे पहला स्थान ऑल और बोथ का होता है, यानी आपका दीज बोथ ऑर्डर गलत है. योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए. करेक्शन होगा आपका, बोथ को आगे लाइए और दीज को उसके बाद कर दीजिए. यानी राइट आंसर होगा आपका बोथ दीज. बोथ दीज बॉयज आर सो इंटेलिजेंट दैट दे आंसर ऑल द क्वेश्चंस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू. आई एंड वाइफ कीप द हाउस नीट एंड क्लीन. सेगमेंट नंबर ए में देखिए आई एंड वाइफ फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन एंड के साथ जुड़ा. जब भी कोई ग्रुप हो पर्सन्स का जिसमें फर्स्ट पर्सन शामिल हो और यदि उनके द्वारा गुण क्वालिटीज एडमिट किया जा रहा हो या अच्छा काम किया जा रहा हो तो उनका ऑर्डर हमेशा 2-3-1, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन की जगह होगी. उस आधार पर देखते हैं तो हमारा एरर नंबर ए में आ रहा है. फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, ये रॉन्ग है. इसका करेक्शन होगा वाइफ को आगे कर लें और आई को पीछे कर दें. यानी करेक्ट सेंटेंस आपका होगा वाइफ एंड आई, वाइफ एंड आई कीप द हाउस नीट एंड क्लीन. जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट स्पीकर का रिलेटिव, सर्वेंट या कुक हो तो उसके पहले कोई पजेसिव या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. यानी वाइफ के पहले माई लगाना भी गलत होगा. Now come to question number 3. She has read all these the books. आपका determiner segment number B में all first place पर है, correct है. All के बाद pointer these आ रहा है, ये भी correct है. लेकिन जब pointer this, that, these, dojo तो उसके साथ फिर article की आवश्यकता नहीं होती है. यानी आपका segment number C में जो the है ये superfluous है, इसे हटा दें. सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी. द करेक्ट सेंटेंस विल बी सी हैज रेड ऑल दीज बुक्स. एक और तरीका होगा, आप दीज को हटा देते हो तो द रखना है, शी हैज रेड ऑल द बुक्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. बिलीव मी, यस, पर्सन पर विश्वास करना, बिलीव प्लस पर्सन का प्रयोग किया जाता है. बिलीव मी पार्ट ए इज करेक्ट. आई पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट. आपके बी में पास्ट इज मेन वर्ब नंबर 2, जिसका प्रयोग पास्ट इनडेफिनिट टेंस में होता है. इसके लिए पास्ट टाइम होना चाहिए. चलिए ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लेना, ये किसी व्यक्ति के लिए गर्व की बात है. यानी क्रिया हो चुकी है बट असर उसका जारी है, उसका प्रभाव जारी है. वेन द एक्शन इज ओवर बट द इफेक्ट कंटिन्यूज, इट मस्ट बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो आपका एरर सेगमेंट नंबर बी में आ रहा है और क्रिया पास्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग करके यानी प्रेजेंट परफेक्ट में ला करके उसे हम सही कर लेंगे. आय के अनुसार एग्रीमेंट हैव का होगा, यानी पास्ट के पहले यदि हैव लगा दिया जाए तो अब यही भर बन जाता है मेन भव नंबर 3.
और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा. यानी द करेक्ट सेंटेंस इज बिलीव मी आई हैव पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट. यानी पास्ट में कोई चेंज नहीं करना, उसके पहले केवल ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग कर देना है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. द मैन हु हैज स्टोलन माय मोटरसाइकिल हैज बीन अरेस्टेड. यानी चोरी हुई पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में उसका अरेस्ट हुआ, यानी असर अभी जारी है. जस्ट इमीडिएट पास्ट में ये काम हुआ है. तो आपका सेकंड क्लॉज हु हैज स्टोलन माय मोटरसाइकिल, ये पास्ट चला जा रहा है. एंड द मैन हैज बीन अरेस्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट करेक्ट जा रहा है. यानी सेगमेंट नंबर बी में आपका एरर है. हैज स्टोलन ये रॉन्ग है. ये क्रिया पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए. यानी राइट आंसर होगा आपका स्टोल. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द मैन हु स्टोल माय मोटरसाइकिल हैज स्टोलन की जगह स्टोल. द मैन हु स्टोल माय मोटरसाइकिल हैज बीन अरेस्टेड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. ऑफन आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स. ऑफन याद रखें, जब भी ये फ्रंट पर हो तो क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होनी चाहिए. यानी भर प्लस सब्जेक्ट के ऑर्डर में होना चाहिए. यानी यहाँ एरर है पार्ट ए में. ऑफन के साथ या तो आप ऐसा कर दो, ऑफन डू आई, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा. ऑफन डू आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, या आई को ऑफन के पहले प्लेस कर दो आप, तो भी ये करेक्ट हो जाएगा. I often play cricket with my friends. इस तरह से स्टूडेंट्स आप सेगमेंट के हर सेगमेंट के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें एंड फाइंड आउट करें कॉमन ईरर आसानी से चुटकियों में. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. आई नो ही इज एन एक्सट्रीम केयरफुल ड्राइवर. ये नाउन ड्राइवर की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव केयरफुल. एंड केयरफुल को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है सेगमेंट बी में एक्सट्रीम. केयरफुल इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है. यानी आपका एक्सट्रीम जो कि यहाँ एडजेक्टिवल रूप में है, इसे एडवर्बियल होना चाहिए था, जिसके लिए इसे ly लगाना होगा. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी और एक्सट्रीम के जगह पर एक्सट्रीमली होना चाहिए था. extremely. तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. आई नो ही इज एन एक्सट्रीमली केयरफुल ड्राइवर. रिमेंबर एन एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, नॉट बाय एन एडजेक्टिव. नंबर 8. रोहित इज अ 10-year-old बॉय. रोहित 10-year-old बॉय है. कौन से देखिए, आपके बॉय के लिए एक एडजेक्टिव ओल्ड है, फिर बॉय के लिए दूसरा एडजेक्टिव आपका 10-year है. जब दो शब्द मिल करके एक अर्थ में एडजेक्टिव बनते हों, एडजेक्टिव का काम करते हों, तो उसे कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं. और उसके लिए दोनों के बीच में हाइफन होना चाहिए. यानी 10-year की जगह पर हम ऐसे कर दें 10-year, तो फिर हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो राइट आंसर आपका सेगमेंट नंबर बी हुआ स्टूडेंट्स. अ 10-year में 10-year एडजेक्टिव है बॉय के लिए, सो उसके बीच में हाइफन होना चाहिए. यहाँ चूंकि ये एडजेक्टिव है अतः एस आना भी गलत होगा. यदि यहाँ 10 years होता तो फिर एस हटा करके हमें उसे सिंगुलर फॉर्म में करना होता. सो करेक्ट सेंटेंस आपका रोहित इज अ 10-year-old बॉय. सेंटेंस नंबर 9. I have bought about all the books. जब भी all के साथ मात्रा में approximate का अर्थ हो, लगभग का सेंस हो, लगभग सारे के सारे, तो उसके लिए adverb about गलत होता है. Your error lies in segment number B and the correct word will be almost. एवरी के साथ, ऑल के साथ हमेशा एडवर्ब के रूप में ऑलमोस्ट का प्रयोग किया जाता है. सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी स्टूडेंट्स, आई हैव बॉट ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स, लगभग सारी की सारी किताबें.
नंबर टेन में आते हैं, इफ सी विल वर्क हार्ड सी विल सक्सीड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। फर्स्ट क्लॉज आपका इफ सी विल वर्क हार्ड कंडीशन दे रहा है, यानी एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज है। रिमेंबर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इस तरह के एडवर्ब क्लॉजेज में कभी भी फ्यूचर क्रिया विल सेल नहीं आती। इंस्टेड हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सो आपका एरर है सेगमेंट नंबर ए में, और विल वर्क की जगह पर करेक्ट वर्ब होना चाहिए सी के एग्रीमेंट में, मेन वर्ब नंबर फाइव, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो इफ सी works hard she will succeed in every walk of life। इस तरह से आप चुटकियों में कॉमन एरर्स फाइंड आउट करके अपने आंसर को सही कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।